यहाँ पर खाने के लिए पैसे हैं कहाँ, किसी के पास रहने की जगह नहीं है। मतलब डेवलपिंग कंट्री है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब। मतलब आप अब तो खुद ही सोच लो कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं क्यों, और ऊपर से वो भी देखो कि इतने स्टूडेंट्स वापस क्यों जा रहे हैं। कोई तो वजह होगी, सोचा है कभी? तो आज आपके जितने भी सवाल हैं उन सबके जवाब दिए जाएंगे आपको इसी वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो हार्श होने वाली है, थोड़ा सा शायद किसी को बुरा लग जाए जो इस कंट्री को प्यार मोहब्बत से रहता हो। भाई हम अपने देश को ज्यादा प्यार करते हैं, तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। अगर आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, उसमें आपको ना ये देश रोकेगा ना मैं ना इंडिया का कोई आदमी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान की बात के एक नए एपिसोड में। जैसे कि लास्ट वीडियो में सिक्योरिटी लाइसेंस के ऊपर बनाया था, वो एक हॉट टॉपिक चल रहा था मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, वैसे ही ये वाला जो टॉपिक है ये हॉट टॉपिक चल रहा है पूरे कनाडा के अंदर और सबको इनका जवाब चाहिए। तो मजाक से हटके इस वीडियो में पूरी रिसर्च करके बैठा हूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो, सारी रिसर्च कर ली है तब जाके ये वीडियो बना रहा हूं। पिछले 3 घंटे से सब कुछ ढूंढा है क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं, उसके बाद जाके यहाँ ज्ञान देने बैठा हूँ। फालतू में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, समझ के देखना, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। और रही बात ऐसे ही ज्ञान वाली वीडियो की, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ताकि अपने ओपिनियंस आप मेरे साथ अपनी वीडियो बना के बहस करके दे सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो अपने अपने ओपिनियन है, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा पॉपुलेशन के बारे में। 2019 में इस कंट्री की पॉपुलेशन थी 37.9 मिलियन, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा नंबर होता है एक अच्छी डेवलपिंग कंट्री के लिए। और पिछले 5 साल में ये अब जाके 40 मिलियन होने वाली है, जो कि बहुत रैपिड इंक्रीज है और ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये मेजरली यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं, बट मेजरली इंडिया से आ रहे हैं, बाकी हर कंट्री से आ रहे हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट फिलहाल जो आपका रेशियो है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी परमिट होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका ब्रिटिश कोलंबिया, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं। और अभी वहाँ पे 2024 के हिसाब से 2,02,560 बच्चों के आसपास हैं जो वहाँ पे अपना स्टूडेंट वीजा और स्टूडेंट वर्क परमिट लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ओंटारियो, जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ। यहाँ पर सेम रेशियो के हिसाब से 2024 के हिसाब से 5,26,015 बच्चे हैं जिनके पास स्टूडेंट वर्क वीजा है। जैसे कि ये इंक्रीज इन नंबर ओंटारियो में आ रहा है, ओंटारियो की गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स लगा दिए अगेंस्ट स्टूडेंट्स जिनकी वजह से वो इस समय सफर कर रहे हैं, जिनको यहाँ पे पीआर नहीं मिल रही है। उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा, अभी पॉपुलेशन के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कनाडा ने बहुत सारे नए रूल्स लगा दिए हैं कि वर्क परमिट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से अभी जो स्टूडेंट्स इंडिया में बैठे हुए हैं और जो अप्लाई कर रहे हैं आने के लिए, वो भी सफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वही सफर कर रहे हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, इंडिया वाले भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम आ रही है। आगे जो मेरा पॉइंट सुनोगे, उसके बाद आप भी अगर कनाडा में हो या आने वाले हो, अपना डिसीजन को रिकंसर्न करोगे कि क्या वो डिसीजन सही है या गलत। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें यहाँ पे देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। फालतू में इंडिया में बैठ के वीडियो नहीं बना रहा, कनाडा के अंदर बैठा हुआ हूँ, लकड़ी का ही घर है, तो इसलिए मुझे ग्राउंड लेवल की रियलिटीज़ पता है। और ऊपर से पता होने के बाद भी अगर इतना सबको रिसर्च करके आप लोगों के लिए ढूंढ के ला रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो पॉपुलेशन तो आपको पता ही है बढ़ती ही जा रही है स्टूडेंट्स को लेके, क्योंकि ईयर 2000 से लेके 2021 तक 400% का इंक्रीज आया है, जो कि किसी भी कंट्री में आज तक नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हिल चुका है। अब उसके भी बहुत ज्यादा मेजर मेजर रीजन है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस कंट्री ने कभी नहीं सोचा था कि इस कंट्री में इतने ज्यादा लोग इतनी स्पीड से आएंगे, तो इन्होंने कभी उस हिसाब से प्लानिंग करी ही नहीं। और जब एकदम से आ गए हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकी फूड चेन सप्लाई, वो सब चीजें हिल डुल गई हैं। का मतलब क्या है कि वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही नहीं कर पा रहे जो यहाँ पे जरूरत है। बहुत सारी कंट्रीज यहाँ से लोग आते हैं, पर टॉप 10 में इंडिया भी आता है, जिसमें 3,19,000 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट वर्क परमिट लेके बैठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे लोग फिलीपींस से भी आते हैं, चाइनीज भी आते हैं, नाइजीरिया से भी आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं, पर वहाँ के नंबर्स कम है। 15,000-16,000 चाइनीज के 1,00,000 हैं जो सेकंड नंबर पे आता है इंडिया के बाद, पर इंडिया के हैं 3,19,000, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आप ये सोचो, इंडिया से जो 3,19,000 बच्चे हैं वो वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए, मैं भी उनमें से एक हूँ, पर वहाँ से यहाँ आ गए ताकि वो इस एनवायरनमेंट में रह सकें। अब हिसाब लगाना तो ये सोच लो कि मैं जब आया था मैंने 18 लाख रुपये खर्च किए थे, ये 3,19,000 बच्चे इंडिया के 18 से 19 लाख रुपये खर्च करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी कैपिटल मार्केट है जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस कंट्री के लिए संभालते हैं, और अभी हम ही सफर कर रहे हैं, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। अब होता क्या है, किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ की डिमांड भी बढ़ जाती है। मतलब मान लेते हैं यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी तो खाने की फूड चेन में जो आपको चीज़ें चाहिए उसकी डिमांड भी बढ़ गई, फिर उन्होंने प्राइस ही बढ़ा दिया। वो कैसे काम करता है उस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जैसे कनाडा में गवर्नमेंट सब कुछ हैंडल नहीं करता है, मोनोपोली स्टोर्स भी होते हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं। जैसे मेरी अपनी दुकान है, मैंने कहीं से कोई चीज़ 10 की खरीदी, मैं आपको 12 की बेचूं, 15 की बेचूं, 16 की बेचूं, वो टोटली अप टू मी है।
वैसे यहाँ पे स्टोर्स होते हैं लॉबलॉस, मेट्रो, वॉलमार्ट, जो अपने हिसाब से काम करते हैं कि भाई ये मेरा सामान है, ये मैं 10 का बेचूं, 15 का बेचूं, 16 का बेचूं, 20 का बेचूं, वो टोटली मेरे ऊपर है। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, मान लेते हैं एक स्पीकर है, अब इसको 10 लोग मांग रहे हैं, वॉलमार्ट ने स्पीकर को $15 का था, उन्होंने कह दिया कि भाई सब मांग रहे हैं, इसको 21 का कर दो। जब उन्होंने 21 का किया, लोगों ने 21 का खरीदना शुरू कर दिया। इस चीज़ की डिमांड बढ़ गई ना, तो वॉलमार्ट ने और बनाना शुरू कर दिया 21 के ही प्राइस पे। फिर उनको लगा कि 21 पे भी लोग दबा के खरीद रहे हैं, उन्होंने फिर इसको 23 का कर दिया। तो ऐसे ऐसे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाता है चीज़ों का, क्योंकि उनकी डिमांड और सप्लाई दोनों ही बढ़ जाती है। तो जब इतना सब कुछ बढ़ रहा है तो वो अपना प्राइस भी बढ़ा देते हैं, और गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो मोनोपोली मार्केट से अपनी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बीच में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। बोल सकती है कि ये कर लो, पर वो उनका अपना सोल डिसीजन होता है कि वो कैसे और क्या करना चाहते हैं। प्राइस बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट को पहले ही पता चल जाता है कि हमें प्राइस बढ़ने वाला है। जैसे कनाडा की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी 2021 तक, जब मैं आया था तब हमें GST चाहिए थी 10,000 CAD, जो आप सबको पता है कि 6 लाख के आसपास होती है, बट फिलहाल कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसे बढ़ा के 20,635 कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक स्टूडेंट $10,000 में अपना खर्चा नहीं चला सकता पूरे साल का, उसको कम से कम $20,000 चाहिए, जो इंडिया के 12,60,000 के आसपास होते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ का एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हैं, और एक स्टूडेंट जो इंडिया से लोन लेके आ रहा है उसके ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है। और स्टूडेंट्स अब भी आ रहे हैं, मैं जब लोन लेके आया था तो मैंने अपने ऊपर जो लोन लिया था वो मेरा इन टोटल पूरा 17-16 लाख तक का खर्चा आया था, बट अब GIC का ही खर्चा 12 लाख तक है, उसके ऊपर से आपकी फ़ीस। तो अब जो नया स्टूडेंट आएगा वो कम से कम 25-26 लाख रुपए खर्च करेगा, जितना मेरे को आइडिया लगता है, उससे कम में वो नहीं आ पाएगा। तो वो सोचो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ चुकी है। अब GIC के बाद आ जाती है, तो $20,000 बच्चा खुद इंडिया से लेके आ रहा है, जो यहाँ पे उसे खर्च करने को मिल रहा है, बट फिर भी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पाएंगी, जिसके लिए उसे जॉब करनी ही पड़ेगी दूसरे एंड पर। जब वो जॉब ढूंढने निकलता है तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग जॉब में घुसे जा रहे हैं, तो जॉब मार्केट में कम रह गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। जैसे इंडिया में लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मार्केट में जॉब्स इतनी ज़्यादा है ही नहीं। कोई नया बच्चा, मैं इंडियंस की बात करूँगा, जो इंडिया से आया हो अपना सामान वामान लेके, जिसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो, वो क्या करे? वो सर्दी में ऊबर ईट्स करने निकल जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है, मार्केट में जॉब्स है ही नहीं। जॉब्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 15 नवंबर 2022 को गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि सारे लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं। पहले वो हमेशा से 20 घंटे था, जिसकी वजह से मैं 20 घंटे काम करता हूँ, मेरा पड़ोसी 20 घंटे काम कर रहा है, उसका पड़ोसी 20 घंटे काम कर रहा है, तो पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बैठा हुआ है। बट अब सीन क्या हो गया कि मैं ही 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकता हूँ, अगर मैं उन दोनों से अच्छा हूँ तो स्टोर वाले ने उन दोनों को निकाल दिया और मेरे को ही वो 60 घंटे दे दिए। तो वो दो जो बच्चे थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए, और वो भी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके साथ ही रेस में भागना शुरू हो गए। तो ये जो रूल था गवर्नमेंट का, ये उन्होंने अपनी लेबर को बचाने के लिए किया था, बट ये बैकफायर कर गया, क्योंकि एक ही बच्चा 3 की जॉब करने लग गया, तो वो जो दो थे वो मार्केट में नई जॉब ढूंढने निकले, मान लेते हैं एक को मिल गई, उसने भी 60 घंटे करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने वहां से दो को निकाल दिया। तो मार्केट में अनएम्प्लॉयड वाले बच्चे ज़्यादा आ गए, गवर्नमेंट का कवरेज पूरा हो गया जॉब्स का, बट जो बच्चे निकाले गए थे वो सफर करने लग गए। पर अच्छी बात यह है कि ये रूल सिर्फ 20 अप्रैल 2024 तक है, मतलब मार्च का ये वाला महीना और आपका अगला महीना, देखते हैं गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड करती है कि नहीं करती है, क्योंकि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि गवर्नमेंट इसको 20 से 30 करने की सोच रही है, पर वो भी एक अच्छी बात है। आपने भी अनलिमिटेड छूट दे रखी है, तो मैं 60 की जगह 70 भी कर रहा हूँ, मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ वीक के, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं बहुत लोगों का जीना हराम कर रहा हूँ। जब वो 30 हो जाएगा तो मेरे पास लिमिटेशन आ जाएगी कि मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे 10-10 घंटे की शिफ्ट कर सकता हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आई विल गिव अपॉर्चुनिटी टू समवन एल्स। तो ऐसे ही होना चाहिए, पहले सही था, मेरे को ये सही नहीं लगा। स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा होगा जिनके पास अच्छी जॉब होंगी, जो खुश होंगे, बट उनके बारे में सोचो जो सड़क पर भागते फिर रहे। रही बात इतनी पॉपुलेशन बढ़ने की, तो अकोमोडेशन भी बढ़ेगा ही। अकोमोडेशन जब बढ़ेगा उसका मतलब यह है कि रहने के लिए जगह नहीं है, एक एक रूम में 4-4, 5-5 बच्चे सो रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। फिलहाल मेरा एक सेपरेट रूम है, मैं एक सिंगल रूम में रहता हूँ, पर स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों ब्रैम्पटन साइड ज़्यादा रहना चाहते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। भाई मैं भी इंडियन हूँ, मेरे को भी इंडियंस पसंद है, मेरे को भी उनके साथ रहना पसंद है, पर एक रूम में तुम 5 लोग रह कैसे रहे हो, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। अब मानोगे नहीं, जो अकोमोडेशन का रेट है वो 481% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेंट प्राइजेज इन इंडिया। तभी वो लोग एक एक रूम में 5-5 लोग रह रहे हैं, और तब भी वो रेंट कितना पे कर रहे हैं, 450 एक बच्चा, मतलब एक कमरे के वो 2,000 2,100 2,200 ऐसा कुछ पे कर रहे हैं, जितना मेरे को आइडिया है, क्योंकि मैं बात करता रहता हूँ।
और मैं यहाँ पे $700 एक रूम के दे रहा हूँ। डिफरेंस है रहने में, कंडीशंस में, शायद उनको जॉब ना मिली हो क्योंकि मार्केट में जॉब नहीं है। लोग चार चार महीने यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं विदाउट जॉब, जो अपनी GIC पे रह रहे हैं। तब तक उन्हें जॉब मिलती है, उनकी GIC खत्म हो जाती है, और जब GIC खत्म हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा काम करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपना स्किल सेट नहीं बढ़ा पाएंगे, और वो उसी एक लूप में फंस जाएंगे जिन्हें उनको फीस पैसे कमा के फीस भरनी है, पर वो रहे नहीं है, दोबारा फीस कमानी है, तो वो एक लूप में अटक जाते हैं, जो कि अभी बहुत बुरा है। मैं बोलूँगा कि मैं भी एक कस्टमर सर्विस की जॉब कर रहा हूँ, मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था मेरे दिमाग में भी ये था कि भाई फीस, मैंने भी कोई स्किल सेट पर काम नहीं किया सही से, बट फिर मैंने बाद में उन सब चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, उन चीज़ों के बारे में पढ़ा, फिर जॉब ढूंढी। तो भाई ऐसे ही काम करता है, तुम एक लूप में अटक चुके हो और वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो इस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है जो ख़राब कर रहा है, क्योंकि वो कभी सोचा ही नहीं था उन लोगों ने कि उनके पास भी इतने लोग होंगे जितने आज इस देश में हैं, जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं इस समय। मैं ये नहीं चाहता कि आप जुट जाओ, इकट्ठे हो जाओ, लड़ाई करो। मैं एक जो फैक्ट्स हैं वो सिर्फ फैक्ट के मार रहा हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें समझ में आए, क्योंकि जब कोई और समझाता है तो तुम्हें समझ में आ जाता है, जब खुद सोचते तो सोचते चलो छोड़ यार कल से देखूंगा, बट नहीं यार वो गलत है। गवर्नमेंट एक चीज़ अच्छी कर रही है, अगर वो किसी चीज़ के प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकती तो वो मिनिमम वेज बढ़ाते रहते हैं। जब मैं कनाडा में आया था वो 14 था, अभी की डेट में वो 16 पॉइंट समथिंग चल रहा है, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि 1 अप्रैल से वो उसे 17.26 कर देंगे, जो कि एक अच्छा स्टेप है, जो सबके बारे में सोचा जा रहा है कि मिनिमम वेज एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो हम थोड़े पैसे भी बढ़ाएं, बट उससे इतनी ज़्यादा हेल्प होगी नहीं। हेल्प जिस चीज़ से होगी वो कनाडा भी कर रहा है, वो स्टूडेंट्स को रोक रहा है आने से। बट ये चीज़ सोचो, जब मैं आया था तो मेरा भी एक था कि मैं अभी विदेश जा के रहूं, तो जो लोग अभी 10th 12th में जो सोच रहे थे बाहर आने की, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए और लिमिटेड एप्लीकेंट्स हो गए, जिसकी वजह से वो भी फंस चुके हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे इतने बच्चे हो गए PR का कुछ अता पता ही नहीं है। PR परमानेंट रेजिडेंस, मान लेते हैं आपने 8777 स्कोर लिया है, उसके बाद आपने मास्टर्स भी कर रखी है, 5 साल का आपके पास जॉब एक्सपीरियंस भी है, आपके पॉइंट बनेंगे 489। अभी लास्ट ड्रॉ कितने का गया है? 525 का है, ये 555 तक भी जा चुका है और अभी चल रहा है 525। और अगर आपने 8777 है, मास्टर्स है, 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस है इंडिया से, और यहाँ पे भी 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस है, तब भी 489 बन रहा है, PR मिलेगी कैसे? मैं आफ्टर 12th आया हूँ, मेरे को कैसे मिलेगी ये सोच। बस कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे को किसी और कोने में जाना पड़ेगा, ना उसको चले जाओ, कहीं और चले जाओ, तब जाके कुछ हो सकता है। और इसमें भी बैड न्यूज़ ये है कि उन प्रोविंसेस ने भी अपने जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें बंद कर दिया है, तभी हर एक स्टूडेंट यहाँ पे सफ़र कर रहा है। सबको प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि हर प्रोविंस ने अपने प्रोग्राम बंद कर दिए हैं, सिर्फ लिमिटेड चीज़ें खुली हुई हैं, जिसमें जाने में डर लगता है मेरे को खुद पर्सनली कि मैं नॉ स्कॉशिया चला जाऊँ, और 6 महीने बाद पता चले कि जिस प्रोग्राम में मैं अपनी फाइल लगाने की सोच रहा था वो बंद ही हो चुकी है, तब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ से अपनी $28 की जॉब छोड़ के वहाँ जाके मिनिमम वेज पे काम करूँ, और 6 महीने बाद उनसे पता करूँ कि नहीं, हम PNP नहीं दे रहे, आपको वापस जाना पड़ेगा, क्या फ़ायदा हुआ उसका? तो इसलिए हर एक बच्चे इतनी टेंशन लेके बैठा हुआ है, मैं अपने बाल ऐसे खींचूंगा, देखो एक बाल हाथ में आ गया, टेंशन की वजह से बाल टूटते हैं, वीडियो बना रहा हूँ, टेंशन हो रही है दिमाग में, सब कुछ सोच सोच के बाल टूट रहे हैं, ये सबके साथ है भाई। अगर आप इंडिया में कुछ अच्छा कर सकते हो ना, तो मेरी फर्स्ट एडवाइस रहेगी, छोटे बड़े भाई जो भी समझ के समझ लेना कि वहीं रहो, मत आओ। और अगर आपको आने की इतनी चुल है कि नहीं अपने देश में तो रहना ही नहीं है, यहाँ रहना है, तो भाई किसी रिमोट एरिया पे आओ, सीधा नोवा स्कोशिया जाओ, सीधा सस्कैचवन जाओ, सीधा अल्बर्टा के किसी अटलांटिक प्रोविंस में जाके अपनी फाइल लगाओ, ताकि 2 साल के बाद जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हो तो आप सीधा फाइल लगाने के एलिजिबल हो, मेरी तरह आपको ओंटारियो छोड़ के ना जाने का सोचना भी ना पड़े, सीधा वहीं जाओ। अगर और आ रहे हो तो एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा, अगर माननी है मानो, मैं सफर कर चुका हूँ, मैं खुद सोच चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, इंडिया से ग्रेजुएशन और कम से कम 1-2 साल का जॉब एक्सपीरियंस लेके आना, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूज़ में मैं बहुत दे चुका IT के अकड़म झगड़म हर जगह के, सीधा पूछते हैं वो कितना एक्सपीरियंस, आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि सर आप कितना एक्सपीरियंस है, वो पूछेंगे कि इस फाइल में ये हो रखा है, इसमें वी लुकअप कैसे लगाओगे, इसमें हॉरिजॉन्टल लुकअप कैसे लगाओगे, इसमें सम कैसे करोगे, अगर ये लिखा हुआ है इसमें एवरेज कैसे निकालोगे, इसकी पेवर टेबल कैसे बनाओगे। जब आप उन्हें कुछ नहीं बता पाओगे ना, तो वो आपको वैसे ही सिलेक्ट नहीं करेंगे। इंडिया से ग्रेजुएशन और 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, तब जाके कुछ बात बनेगी, वरना भाई गधा मजदूरी तो गधे भी कर रहे हैं, तो फोर्स करने में फ़ायदा है नहीं। भाई फिलहाल के लिए तो भाई बहुत स्ट्रगल चल रहा है PR को लेके हर बच्चे का। भाई अभी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है कि मेरा अपना PR का प्लान क्या है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ कि भाई तुम लोग ये कर लो तुम्हें PR मिल जाएगी, जब मुझे ही नहीं पता मैं क्या मोटिवेट करूँ किसी को। मैं ये वीडियो मैं भी स्ट्रेस में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से 6 महीने हो चुके मेरे को वर्क परमिट पर,
मैं यही सोच रहा हूँ कि करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। कभी कभी मन करता है कि बैग उठाओ वापस चल रहा। भाई एक चीज़ जो मैं एडवाइस दे चुका, ग्रेजुएशन जॉब एक्सपीरियंस आप कुछ चेंजेस कर सकते हो देश में। मास्टर वाले को भी नहीं मिल रही, पर एटलीस्ट ग्रेजुएशन और 2-3 साल का एक जॉब एक्सपीरियंस होगा ना, तो यहाँ पर गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, एक अच्छी जॉब कर पाओगे जो आपको सच में ही करनी थी यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि सीधा सब मांगेंगे कि सर एक्सपीरियंस दिखा दो, जॉब पा लो। बाकी भाई एक लास्ट चीज़ जो मेरे को ऐसी लगती है, देखा देखी मैं कोई नहीं बचा ना कोई रहा, तो देखा देखी मत करो। सच में ही आना चाहते हो तो आ जाओ, पर फलाने का लड़का, शर्मा जी की लड़की, ठाकुर साहब का लड़का जा रहा है, उनको देख के आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, जो आप खुद बोल रहे हो मत करो, उसमें ना तुम्हारा भला ना उनका भला। यहाँ पे कंडीशन बहुत बुरी है, इतनी बुरी नहीं है कि मर जाओगे, बट इतनी बुरी है सर्वाइवल अभी के लिए। प्राइस वाइज मुश्किल है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। मेरे को पता है स्ट्रगल करके ही इंसान बड़ा बनता है, पर अननेसेसरी का स्ट्रगल लेना अच्छी बात नहीं है। उसको ध्यान में रख के जो आपको सही लगे वो करना। फलाने का लड़का, फलाने की लड़की जाते फाते रहेंगे, खुद देख के कहीं मत उड़ जाना। तो लाइफ का डिसीजन वही लेना जो खुद हैंडल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो जहाँ पे बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो और जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, उसमें खुश रहो। कुछ ना कुछ जिंदगी में सभी कर लेते हैं, आप भी कुछ कर लोगे। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही था, कुछ और समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। बाकी तो इतनी रिसर्च करी थी अभी तक, अगर पसंद आई हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना उनके साथ। सच में आंख बंद करके सिर्फ बाहर चले जा रहे हैं कनाडा की तरफ। भाई हर चीज़ के अप एंड डाउन होते हैं, तो उस हिसाब से चीज़ों को देखो, शायद आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सीधा सीधा तो नहीं बोलूंगा वरना हेट मिलेगी, इनडायरेक्टली बोल दिया है सब कुछ। तो वीडियो को दोबारा देखना हो देख लेना, शेयर करना हो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं तो इन फ्यूचर और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए और चीज़ें समझने के लिए एक स्ट्रगलर से जो खुद स्ट्रगल कर रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, और मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो में जिसमें बहुत ज्यादा इंटेंस ज्ञान की बात होगी। तब के लिए ध्यान रखिए, जय श्री राम, पीस आउट।